हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर किचन एंड मेकअप। आई होप यू डूइंग वेल। तो आज हम बनाएंगे वेज थाली, मतलब वेज ही बनाते हैं हम। सो आज हम बनाएंगे मसूर की दाल रोटी, और एक कुछ स्पेशल है आपके लिए, वो मैं वीडियो में ना आगे आगे बताऊंगी, और रोटियां बनाएंगे। तो चलते हैं अपने दाल बनाने के प्रोसेस पे। तो हमने दाल को सोक कर लिया है, 10 मिनट हमें हो चुके हैं। हम उसमें लेंगे एक प्याज, एक टमाटर और लहसुन की कुछ कलियाँ, इसको कट कर लेंगे। देखिए हमारी प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर हो चुके हैं कट। कुकर में भी तेल हो चुका है गरम। अब हम इसमें डालेंगे हींग और जीरा। देखिए हमने इसमें डाल दिया हींग जीरा, इसको रोस्ट होने देंगे अच्छे से। हम डाल दिया हमने इसमें लहसुन को, भून लेंगे अच्छे से। देखिए लहसुन हो चुका था, हमने इसमें डाल दी है प्याज, इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से, भून लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। तो हमारी प्याज भी भून चुकी थी, अब हमने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। देखिए इसमें डाला है मैंने नमक, स्वाद के अनुसार आप डालिएगा। धनिया पाउडर डाला है, हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है, थोड़ी कम डाली है लाल मिर्च क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च डाली है। इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से सारे मसालों को। देखिए हमने मिक्स कर लिया है मसालों को, मसाला जल ना जाए। इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए डालेंगे कि जो हमारे मसाले हैं ना, जल ना जाए, ठीक है ना। अच्छे से इनको अच्छे से पकने देते हैं हम, जब तक को हम दाल को वॉश कर लेते हैं, जब तक हमारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे, बॉयल आ जाएगा मसालों में। देखिए हमने दाल को 5 से 6 बार वॉश कर लिया है, और हमारा मसाला भी यहाँ बॉयल हो चुका है, और इसमें हम डाल देंगे अपनी वॉश की हुई दाल को। देखिए हमने इसमें दाल डाल दी है और हमने इसको चला लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम पानी, जितनी दाल हमें चाहिए हमें इतना पानी डाल दिया है हमने। हमने दाल से पानी डाल दिया है। ये जो हमारा चमचा है ये डूब रहा है, इतना देख सकते हैं आप भाई। तो हमने इसको चला लिया है। अब इसको ढक्कन, कुकर का हम ढक्कन लगा देंगे। देखिए मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है, गैस की फ्लेम कर ली है मैंने हाई, बिकॉज़ हम एक सीटी फुल गैस पर लगाएंगे, और 2 सीटी लगाएंगे हम मीडियम टू हाई गैस पर, तो हमारी दाल बन के ना रेडी हो जाएगी। इतने हम कर लेते हैं आटा, हम आटा कर लेते हैं इतने रोटियों के लिए गाइस, जब तक हमारी दाल बन के तैयार हो जाएगी। देखिए आटा होके हमारा हो चुका है तैयार, दाल मेरी आ चुकी है सीटी, दाल भी हमारी बन चुकी है, आटा भी हो चुका है। अब करते हैं हम अपनी मिर्ची की, जी हाँ, दूसरी सब्जी जो मैं बनाऊंगी, सब्जी कह लीजिए या कुछ सब्जी के साथ कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है वो कह लीजिए, वो बनाने की तैयारी करते हैं। रुकिए वीडियो में आगे चलने से पहले हम अपनी दाल दिखा देते हैं आपको। ईजी से बन गई है दाल, कितनी टेस्टी लग गया। अगर वीडियो यहाँ तक भी आपने देख लिया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने ले लिया है यहाँ साबुत धनिया, सौंफ ले लिया है हमने, हमने ले लिया है जीरा। ये देखिए क्वांटिटी आपको और चीज़ों के हिसाब से थोड़ी सी कम लेनी है। यहाँ ले लिया हमने पीली सरसों। यहाँ पर हमने छोटी सी कढ़ाई को कर लिया है गर्म। अब इसको ना हमको रोस्ट करना है। देखिए डाल दिया हमने, बिना कुछ तेल, बिना कुछ ऑयल, कुछ भी ना, हमने ऐसे रोस्ट करने के लिए इसको रख दिया है। गैस गर्म हो चुकी थी हमारी, गैस नहीं सॉरी कढ़ाई। देखिए इसको चला लेंगे हम। और इनको चलाते टाइम ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बता नहीं सकते आपको, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनको रोस्ट करते टाइम ना। देखिए कलर चेंज हो चुका है, रोस्ट हो चुका है। गैस की फ्लेम कर देंगे बिल्कुल ही ऑफ, और इसको निकाल लेंगे। देखिए हमने इसको ठंडा करने के लिए ना एक बड़ी सी प्लेट में ऐसे फैला दिया है। अब उसी कढ़ाई में हमको 2 चम्मच बेसन को भी भूनना है। देखिए हमने उसी कढ़ाई में बेसन ले लिया है, बेसन को भी कर लेंगे हम हल्का सा रोस्ट। बस जो बेसन का ना कच्चापन निकल जाए, बस हमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बेसन का जो कच्चापन निकल जाए। और गाइस इसमें बेसन में से भी ना भूनते टाइम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है,
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बेसन को भूनते टाइम। हमें इसको बस इसका कलर चेंज होने वाला है, देख सकते हो आप, देख सकते हैं आप कलर चेंज हो ही गया है, मतलब ना ये देखिए गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। देखिए कूट लिया हमने इसको, उस छोटी सी कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया है, तेल लिया हमने 1 से 2 चम्मच। देखिए तेल गरम हो चुका था, हमने डाल दिया इसमें, ये रोस्टेड है, वैसे हमें इसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तेल में हमने इसको ऐसे ऐसे करके ना थोड़ा सा कर लिया है हमने ना ऐसे। मेन इंग्रेडिएंट है मिर्च, वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं, दिखाती हूँ अभी। देखिए मिर्च हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट, मिर्च नहीं होगी तो हमारी सब्जी बनेगी नहीं, तो हमने ले लिया है मिर्च। मिर्च को हम आप किसी भी आकार से किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, मैंने एक मिर्च में से ना 2 टुकड़े कर लिए गाइस। देखिए मैंने मिर्च को, ये जो मसाला था ना हमारा जो हमने रोस्ट किया था फिर कूटा था वही वाला मसाले में हमने ये डाल दिया सारे मिर्च। अब हम डालेंगे उसमें बेसन, देखिए इसमें बेसन डाल के ना हमने चला लिया है मिर्चों को अच्छी तरीके से। देखिए ये कुछ इस तरीके के दिखेंगे आपको। अब इसमें डाल देंगे हम नमक स्वाद के अनुसार, मतलब कम ही डालेंगे तो अच्छा है। आप डाल दिया हमने नमक, इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने 5 मिनट तक ना इसको इस तरीके से हमने ढक दिया था, मिर्च हमारी जब तक ना सॉफ्ट ना हो जाए, हमारे मिक्स सॉफ्ट मिर्च जो हैं सॉफ्ट हो चुकी हैं। देखिए अगर आप ना इसको विदाउट सब्जी, अगर आप रोटी से, पराठे से, लच्छे पराठे से, मतलब किसी भी चीज़ के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। इसका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा लगता है, आप प्लीज़ मेरे ट्रस्ट पर एक बार इसको बनाइए, ज़रूर बनाइए। घर में कोई सब्जी ना बनी हो या आपकी पसंद की ना बनी हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। देखिए आप इसको ऐसे भी खा सकते हो या आप इसको ना ठंडा करके आप इसमें ना ऊपर से ना नींबू निचोड़ के भी ना इसको थोड़ा तीखापन और थोड़ा खट्टापन आ जाता है ना, तो आहा, तो इस वाली मिर्च का क्या कहना सच में। तो हम इसको ठंडा कर लेंगे क्योंकि मुझे तो ना वैसी बहुत पसंद है, और ये जो मिर्च है ना इस तरीके की जब मैं अपने घर गई थी ना तब मम्मी ने बनाई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कब से सोच रही हूँ आपके साथ ना ये वाली रेसिपी मैं शेयर करूँगी, तो आज वो दिन आया है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। इसको मैं ठंडा कर लेती हूँ प्लेट में। देखिए हमारी मिर्ची हो चुकी है ठंडी, अब मैंने इसमें डाल दिया है आधे से ना कम है क्योंकि हमने मिर्च कम बनाई है, तो आधे से भी कम हमने इसमें नींबू को स्पेस कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मिर्च हमारी ठंडी हो चुकी थी, हमने लेमन डाल के ना इसमें 1/2 लेमन डाल के हमने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, इसको आराम से खा सकते हैं आप, ख़राब भी नहीं होगी, फ्रिज में रख सकते हैं आप इसको। तो इस तरीके से बंद करके जब खाएं जब खाएं, और पराठे के साथ तो आहा, ये तो बहुत अच्छी लगती है पराठे के साथ। तो चलिए अब रोटियां बना लेते हैं हम। देखिए तवा गर्म हो चुका था, मैंने डाल दी इस पर रोटी। देखिए हमारी थाली रेडी हो चुकी है, 2 रोटियां बना ली हमने, दाल बना ली, दाल रख ली हमने इसमें, और जो अभी बनाई है हमने मिर्च वो रख ली हमने, थोड़े से चावल और थोड़ा सा सैलेड, और अब चाहें तो नींबू को दाल में स्विस्ट करके खाइए। आहा, मतलब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी ये थाली पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए ना सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो जब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छा अच्छा खाना इन्जॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।